Namaste, myself, mera naam Haripriya hai, mere husband Ram sir, mera bacha Aditya hai. Hum Andhra se, Hyderabad se. Iski 4th day se humko pata chal gaya ye to CP bachcha hai. Tab se leke hum bahut sara ilaaj kiya hai. Therapy bhi ho rahi hai iska regularly aur Ayurvedic treatment bhi hua. Jahan bhi gaya to thoda thoda fayda to hua, lekin idhar jo fayda mila tha aap thoda खुद थोड़ा सा स्टिक पकड़ के चलना शुरू कर दिया और 4-5 months के बाद शायद ये तो खुद चलने के लिए ताकत आ जाएगा. मेरा उम्मीद है कि इधर त्रिशला में जो ट्रीटमेंट हो रही है अच्छा है. सीपी बच्चे को लेके घर पे मत बैठिए, आप बाहर आइए इलाज के लिए. कहीं ना कहीं जाके थ्रू प्रॉपर ट्रीटमेंट देके आपका बच्चा इंडिपेंडेंट होने के लिए ट्राई कर लीजिए. थेरेपी तो बहुत टफ है. आप ऐसा मत सोचिए यहाँ आके सर्जरी करके कुछ ना कुछ करके चले जाने से ये चलेगा. आप पूरा अटेंशन इसका ऊपर देना पड़ेगा बच्चे का. 24 आवर्स ऑलमोस्ट इसी का बच्चे का देखना पड़ेगा. 8 to 9 hours थेरेपी चलना चाहिए इसका. इधर आके आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, बच्चा को करना ही चाहिए. इधर आके सीख जाइए, घर पे आके आपके बच्चों के लिए भलाई के लिए कुछ और करना है तो करते रहिए बस. ये तो नॉर्मल बच्चा नहीं है. इसकी मतलब ये नहीं इसको घर पे बिठा दो या ऐसा ही जिंदगी जीने दो, ऐसा नहीं है ना. इसके काम खुद का करने का लायक बनाना चाहिए ना. इसलिए कुछ ना कुछ ट्राई कीजिए, आप सर्च कीजिए. अब तो नेट बहुत करीब आ गया लोगों की. थ्रू नेट हमें भी सर्च किया, यहाँ तक पहुँच गया हमने. आप भी सर्च कर लीजिए त्रिशला. हमने ऐसा नहीं बोले सारे लोग त्रिशला पे ही आ जाए, लेकिन त्रिशला में तो अब जैसा ट्रीटमेंट हो रहा है ना अच्छा हो रही है. बच्चा बहुत सारे बच्चा जो भी आए तो अच्छा ही होगा, वही उम्मीद था मेरा. घर पे मत बैठिए बच्चों को लेके, वो उसको अपने काम करने के लायक बनाने के लिए कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट करवा दीजिए. वो सही करना चाहिए, वो भी एज भी देखना चाहिए. ठीक है हो गया, हम गोद में लेके जा सकते हैं, ये सब सोच के घर पे मत बैठिए. वो बच्चा बढ़ता ही जाएगा, इसलिए उसको सब कुछ सिखाना ही चाहिए.